हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। कैसे आप सब लोग? चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी शाम का टाइम है, मैं बच्चों को नीचे लेकर आई हूँ वॉक करने को मैंने रेडी कर दिया है बस, फिर बच्चों को ऊपर लेकर गई और अभी मैं जा रही हूँ जो हमारे घर के पास नियर बाय शॉप है। मतलब अंधेरा होने लग गया है, शाम हो गई है, तो वहाँ से मुझे लेना है थोड़ा बहुत राशन का सामान, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जल्दी से सामान लूँगी, उसको फिर मुझे गाड़ी में रखना है। एक्चुअली वक़्त ऊपर है बच्चों के पास, तो मैं गाड़ी को पहले उन्हें फ़ोन करके गाड़ी ऑन करवा के डिक्की में सामान रख के फिर मैं ऊपर जाऊँगी। गुगू को मैंने तैयार कर दिया है, पिसदेन को अभी मुझे रेडी करना है और छोटे मोटे घर के मतलब यू नो एक दो छोटे मोटे काम करके तो मैं जाऊँगी आज गुरुद्वारे। आज एक्चुअली कोई प्रोग्राम नहीं है गुरुद्वारे में, बस ऐसे आज ना मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब था। कभी कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, आपको मतलब कुछ अजीब सा लगता है, तो मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मैं गुरुद्वारे जाना चाहिए और वहाँ जाके थोड़ा सा फिर मैं पहले से बेटर फील करती हूँ। तो बस आज वैसे सा कुछ हो रहा था, तो मैंने इनको बोला चलो मत्था टेकने चलते हैं। तो बस यहीं पर हम लोग तो फिर गाड़ी में बैठ गए और हम लोग पहुँच गए हैं गुरुद्वारे, और भाभी भी हमारे साथ आई हैं नीचे। और बस गुरुद्वारे पहुंच के मत्था टेकेंगे और आपको बाबा जी के दर्शन कराऊंगी। आज एक्चुअली कोई सत्संग का प्रोग्राम नहीं है, मतलब कीर्तन वगैरह नहीं है, ना ही लंगर है, पर शाम की जो रूटीन होती है राज साहिब वो चल रहा है यहाँ पे। जब हम गए थे तो अरदास हो रही थी, तो आप सब बाबा जी के दर्शन करो। और जब भी आपको भी लगे ना कि आपका मन किस दिन हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना आप गुरुद्वारे आके देखना। मतलब गुरुद्वारे मंदिर जहाँ पे भी आप बिलीव करते हो जिस रिलीजन से, आपको वहाँ जाके एक अलग सा सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है कड़ा प्रसाद, हम सबका फेवरेट। तो बस मत्था टेक लिया, बच्चे पापा के पास है, अब चलने की तैयारी है घर पे वापस। और ये था मेरा छोटू सा व्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ फिर आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।